इंडियन प्रीमियर लीग का 12वां मुकाबला शुक्रवार को खेला जाएगा। वहीं इस मुकाबले में मुंबई इंडियंस बनाम चेन्नई सुपर किंग्स के बीच टक्कर होगी। रोहित शर्मा और एमएस धोनी बतौर कप्तान इस मैच में उतरेंगे। तो ये जानते हैं मुंबई बनाम चेन्नई में कौन सी टीम बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। बता दें कि पिछले 15 सालों में मुंबई और चेन्नई दोनों टीमों ने अपने फैंस को कई रोमांचक मुकाबले दिए हैं। ऐसे में इस मुकाबले में दोनों टीमों के बीच कई टक्कर देखने को मिल सकती है। वहीं अभी तक मुंबई के जोफा आर्चर की तरफ से ज्यादा अच्छी गेंदबाजी देखने को नहीं मिली है, लेकिन अब मुंबई के फैंस को उम्मीद है कि वे चेन्नई के खिलाफ मुकाबले में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। वहीं पिच के बारे में बात करें तो मुंबई की वानखेड़े स्टेडियम के बीच काफी ज्यादा ही सपाट है, इस वजह से यहां तेज गेंदबाजों को भरपूर मदद मिलती है। वहीं T20 के हिसाब से देखा जाए तो यहां बल्लेबाज जमकर रन बनाते हैं। वहीं मुंबई की इस पिच पर IPL के दौरान एक ही टीम की तरफ से बड़े बड़े स्कोर देखने को मिलते हैं। बात करें दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की तो मुंबई की तरफ से प्लेइंग 11 में रोहित शर्मा, ईशान किशन, कैमरन ग्रीन, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, निहाल वडेरा, टिम डेविड, ऋतिक शौकीन, पीयूष चावला, जोफा आर्चर और जेसन बेहरनडॉर्फ हो सकते हैं। इसके अलावा इंपैक्ट प्लेयर के रूप में कुमार कार्तिकेय को भी शामिल किया जा सकता है। वहीं चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11 में डेवोन कानवे, ऋतुराज गायकवाड़, बेन स्टोक्स, अंबायती रायडू, मोइन अली, शिवम दुबे, MS धोनी, रविंद्र जडेजा, दीपक चाहर और मिचेल सैंटनर हो सकते हैं। इसके अलावा इंपैक्ट प्लेयर के रूप में तुषार देशपांडे को भी शामिल किया जा सकता है। वैसे आपको क्या लगता है दोनों टीमों में से कौन सी टीम मैच को जीतेगी? मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताना बिल्कुल मत भूलना।